वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ आशी फ्रॉम अमारास मेकओवर्स। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास इस रूप में है क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं जो DIY बता रही हूँ वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड जो समर्स का सीज़न चल रहा है, सबको पता है समय समर्स चल रहे हैं, और समर्स में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टैंड हो जाती है। हमारी जो स्किन होती है, लाइक चाहे फेस की हो, बेसिकली जो हाथ की स्किन है वो फेस से भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। आप देखिए, मेरे फेस से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, इस समय बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है कि हमारी जो टैनिंग है किस तरीके से हम अपनी बॉडी को डीटैन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, समर्स में क्या होता है कि हम लोग बाहर जाना तो नहीं रोक सकते, तो हम बाहर निकलते हैं, कई बार हम सनस्क्रीन लगाते हैं और कई बार हम सनस्क्रीन को यूज़ नहीं करते हैं। इन दैट कंडीशन क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। जब हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे हमारी स्किन की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, बहुत ज़्यादा टैनिंग और ज़्यादा बढ़ती जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डिस्कलरिंग हो जाती है, कहीं की स्किन अलग दिखाई देती है, कहीं की अलग आपका फेस अलग दिखाई देता है, हाथ अलग दिखाई देते हैं। और अगर गर्ल्स शॉर्ट्स वगैरह पहन रही हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रही हैं, तो इन दैट कंडीशन उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैंड हो जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस किस तरीके से आप अपने ओपन एरियाज़ में जो आपकी टैनिंग हो गई है उसको कैसे रिमूव कर सकते हो, किस तरीके से अपनी बॉडी को डीटैन कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो हाथ का एरिया बेसिकली खुला रहता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं या लाइक जो गर्ल्स हैं वो स्कूटी वगैरह राइड करते हैं, तो इन दैट कंडीशन उनके जो हाथ होते हैं उन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपके हाथों की, बैक की स्किन को किस तरीके से हम अपने बॉडी पार्ट्स को डीटैन कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमें डीटैन को हटाना है और किस तरीके से हमें प्रोसेस को करना है। मैं जो टैन रिमूवल प्रोसेस है वो स्टार्ट करें उसके लिए मैंने एक खाली बाउल लिया है और उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। सॉल्ट जो घरेलू सॉल्ट होता है जिसे हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, ये वो सॉल्ट है, नमक है। और इसके बाद मैं इसमें नींबू को, आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस पार्ट पर, जिस एरिया पर आपको यूज़ करना है, चाहे फेस हो, चाहे हाथ हो, चाहे लेग हो, चाहे बैक हो, जहाँ पर भी आपकी टैनिंग है वहाँ पर इस तरीके का पैक बनाकर आपको यूज़ करना है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। जो सॉल्ट होता है वो बहुत अच्छा स्क्रब माना जाता है और जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी होता है, आप सब लोग जानते हैं। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन मैं लास्ट में आपको वीडियो में जरूर से बताऊंगी कि क्या क्या इनके और बेनिफिट्स हैं। अभी आप देखिए कि मैं किस तरीके से प्रोसेस कर रही हूँ। इन दोनों का मिक्सचर आप अपने हाथों पर बहुत अच्छे से लगाइए और साथ साथ मसाज भी करते रहिए अच्छे से, जिससे कि जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं और आपकी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए और इसके साथ ही साथ जितनी भी टैनिंग है वो आपकी हट जाए। ये बहुत अच्छा टैनिंग का लाइक माना जाता है कि जो सॉल्ट है वो बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करके हमारी जो टैनिंग को है उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है। इसके बाद में आप इसे 2-4-5 मिनट रखने के बाद इसे धो लीजिए। मैं टैनिंग पैक बना रही हूँ क्योंकि हमने स्क्रबिंग अपनी बॉडी की कर ली। इसके बाद में टैनिंग पैक के लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। बेसन बहुत अच्छा क्लिंजर माना जाता है, इसीलिए हमने इसको ऐड ऑन किया है। इसके बाद में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है और रॉ मिल्क लिया है जो व्हाइटनिंग के लिए और टैनिंग के लिए बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है। इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। ये स्किन को स्मूथ और मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ टैनिंग दूर करता है। हम विटामिन सी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लेमन को, जो कि टैनिंग को बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। अब इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूं। गाइस, ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये पैक बनाएं तो पैक बहुत ज्यादा रनिंग में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बहेगा और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं देखिए जिस तरीके से कर रही हूं, आप देखिए मेरा बहुत ज्यादा रनिंग में हो गया। मैं इसको थोड़ा सा थिक करूंगी जिससे कि मैं इसे सही से अपने बॉडी पर अप्लाई कर सकूं। गाइस, एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, जितना मैंने बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी तैयार की है क्योंकि मैं सिर्फ इसे हाथ पर करके दिखाऊंगी, सैंपल के रूप में है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इस मटेरियल को, इस पैक को तैयार कीजिए। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो जो मैंने इसमें यूज किए हैं, इन सबका डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगी कि टैनिंग हटाने के अलावा और क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। गाइस देखिए, मेरा पैक पूरी तरह से बनके तैयार हो गया। अब मैं इसे अपने हाथ पर यानी हैंड पर अप्लाई कर रही हूं। इसी तरीके से आपको पूरे हैंड पर इसे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में इसको अच्छे से आपको मसाज देनी है, बहुत तेज रगड़ना नहीं है बल्कि सॉफ्ट हाथों से इसकी मसाज करनी है। जितने अच्छे से आप इसकी मसाज करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे।
इस टैग को आप 2 से 3 मिनट तक मसाज करिए। जब आप मसाज करेंगे तो जितनी भी आपकी टैनिंग होगी वो इससे रिमूव हो जाएगी, और क्योंकि जो बेसन है वो बहुत अच्छे से स्किन की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, स्किन की जो टैनिंग है उसको रिमूव करने का काम करता है। गाइज, वन मोर थिंग, इसमें हमने रॉ मिल्क भी यूज़ किया था। आप रॉ मिल्क नहीं है आपके पास में तो आप इन दैट कंडीशन जो उबला हुआ दूध है उसको भी, बॉइल्ड जो मिल्क है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, जब ये सूख जाए, आप देखिए ये सूख गया है, 10 से 15 मिनट रखने के बाद ये सूख जाता है, और सूखने के बाद में मैंने इसमें रोज़ वाटर हल्के से डाल रही हूँ। रोज़ वाटर अगर नहीं है आपके पास में तो आप नॉर्मली जो ठंडा पानी होता है उससे भी आप इसे रगड़ कर साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको इसको मसाज करनी है पानी से या रोज़ वाटर जो भी आपके पास में उस समय अवेलेबल है। देखिए गाइस, ये ऐसे आपको मसाज करते हुए इसे हटाने की कोशिश करनी है। जब जितनी आप अच्छे से मसाज करेंगे उतने ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे। गाइस, मैं रोज़ वाटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये स्किन को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट भी करता है, ये हाइड्रेशन देता है स्किन को हमारी, इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है रोज़ वाटर। गाइज, देखिए ऑलमोस्ट सारा का सारा क्लीन होने वाला है मेरा हैंड। आप देखिए कितनी टैनिंग हट रही है, टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो गई है। इसके बाद में आप इसे ठंडे पानी से या जो टॉवल है उससे आप अच्छे से इसको पोंछ लीजिए, धो लीजिए, स्किन बिल्कुल आपकी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। देखिए मेरे हाथ पूरी तरीके से क्लीन हो गए हैं और मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। इस पैक को पूरी तरीके से हटाने के बाद में, उसे रिमूव करने के बाद में, मैं हाइड्रेशन के लिए रोज़ वाटर पूरे हाथों पे डाल रही हूँ। इसको 10 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए जिससे कि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। इसके बाद में मैं जो ये एलोवेरा जेल है इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास में ओरिजिनल एलोवेरा जेल है तो इसकी जगह आप ओरिजिनल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इस एलोवेरा जेल को यूज़ करना स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये टैनिंग का बहुत अच्छा प्रोटेक्टर है। देखिए दोनों हाथों में कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एक हाथ कैसा और एक हाथ कैसा, इसके बहुत अच्छे गाइस रिजल्ट है, प्लीज डू ट्राई इट। गाइस, आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में मैंने सॉल्ट का यूज़ किया था। जो सॉल्ट होता है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसके साथ ही साथ कैल्शियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि सभी जानते हैं कि कोई भी सब्जी बिना नमक के अधूरी होती है, ठीक उसी तरीके से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट भी, हमारी स्किन भी अधूरी है सॉल्ट के बिना। सॉल्ट जो होता है वो एक्सफोलिएंट करने का काम करता है हमारी स्किन को। इट मीन्स हमारी स्किन में जितने भी डार्क स्किन सेल्स हैं उनको ये रिमूव करता है। अगर आपके व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स फेस पर है तो एंड दैट कंडीशन वो उनको भी दूर करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन में किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करने का काम करता है। और एक्सफोलिएंट करके ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, सफल बनाता है, ब्राइटनेस लाता है, और इसके साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारी स्किन को फेयरर लुक भी देता है। इसके साथ साथ हमने यूज़ किया था इसमें लेमन में विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ होती है। विटामिन सी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विटामिन सी की प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारी स्किन को नरिश करता है। इसके साथ ही साथ ये स्किन में ग्लो लाने का काम करता है, उसे ब्राइट बनाता है। गाइज, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे नींबू हो चाहे सॉल्ट, दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और, जो सॉल्ट है, अगर हम सॉल्ट को हम बहुत तरीके से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्किन को पूरी तरीके से एक्सफोलिएट करके उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल बनाने का काम करता है। गाइस, सेकंड स्टेप में देखा कि मैंने सबसे पहले बेसन का यूज़ किया था। बेसन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्यूटी में क्योंकि बेसन सबसे अच्छा क्लिंजर माना जाता है। नेचुरल क्लिंजर सबसे अच्छा अगर कोई है तो वो बेसन है क्योंकि ये हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है। इसके साथ ही साथ हमारी स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करता है, स्किन को क्लीन करता है। इसके साथ ही साथ ये स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, चाहे किसी भी टाइप की आपकी स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑयली हो, चाहे एक्स्ट्रा ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, हर स्किन टाइप का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। इसके बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये हमारी स्किन को पूरी तरीके से डिटॉक्स करके, इम्प्योरिटीज़ को दूर करके उसे सॉफ्ट सफल बनाता है।
गाइस बेसन के साथ में मैंने हल्दी को यूज़ किया था, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। एंटीसेप्टिक गुण होने के कारण ये बहुत अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट माना जाता है और ये हमारी स्किन को फेयरर लुक भी देता है। आपने देखा होगा कि जब शादी ब्याह होती है तो उस समय भी लड़की को लड़के को हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हल्दी जो है वो हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करती है। उसे इसके साथ ही साथ स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देती है और एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त होती है, जिसके कारण अगर हमारी स्किन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी हील अप करने का ये काम करती है। गाइस मैंने जब पैक बनाया था तो आपने देखा कि मैंने हल्दी यूज़ की, बेसन यूज़ किया, इसके साथ ही साथ मैंने रॉ मिल्क को लिया था। रॉ मिल्क बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र माना जाता है। इसके साथ ही साथ आप सबको पता है कि जो मिल्क होता है उसमें प्रोटीन, विटामिन एंड इसके अलावा मिनरल्स के गुण होते हैं। ये तीनों ही प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारी स्किन को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ मिल्क ही ऐसा है जो हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र को लॉक करता है। तो हमारी स्किन, अगर आप हम डेली में रॉ मिल्क ही यूज़ करें तो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि हमें किसी भी तरीके का और मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए जितने भी हम पैक बनाते हैं ज़्यादातर हम उसमें रॉ मिल्क को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र को लॉक करके इसे सॉफ्ट, सपल एंड रेडियंट लुक देता है। ये हमारी स्किन को फेयरर लुक भी देता है। आप उसे अलग से भी सिर्फ कच्चे दूध को ही पूरी स्किन पर यूज़ करेंगे और आप 1 वीक के अंदर देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा फेयरर हो गई है, कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल दिखाई दे रही है। गाइस आपने देखा मैंने लास्ट में रोज़ वाटर का यूज़ किया था, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करने का काम करता है। इट मीन्स उससे हाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट करके उसे हाइड्रेशन देता है। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो ये हाइड्रेशन का काम जो होता है वो रोज़ वाटर करता है। हमारी स्किन में नमी की मात्रा को ही बनाए रखता है। नमी होने के कारण हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है। तो गाइस जो रोज़ वाटर है आप उसको अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में ज़रूर से शामिल कीजिए। 1 मोर थिंग गाइस, मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल अगर हमारी स्किन में टैनिंग है तो अगर आप रेगुलर भी फेस वॉश करने के बाद में अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई और एक्स्ट्रा ड्राई या नॉर्मल स्किन है, तो आप हल्का सा जो कोकोनट ऑयल है वो लगा के सो जाइए। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपकी जो स्किन की टैनिंग है वो अपने आप ही ख़त्म होती जाएगी। जो अनइवन स्किन टोन है वो भी आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। गाइस सबसे लास्ट में आपने देखा कि मैंने एलोवेरा जेल का यूज़ किया था। आप एलोवेरा जेल नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास में नॉर्मल जो नेचुरल एलोवेरा जेल नहीं है तो आप उसको ट्यूब फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप उसको परचेज कर सकते हैं। गाइस जो एलोवेरा जेल होता है वो डी टैन करने के लिए बहुत अच्छा ब्यूटी प्रोडक्ट माना जाता है। तो अगर आपके स्किन में किसी भी तरीके की टैनिंग है तो गाइस आप सनस्क्रीन लगाते हैं बेशक लगाइए, लेकिन रात में एलोवेरा जेल को ज़रूर से अपनी स्किन केयर में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये स्किन को बहुत हद तक डीटेन करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ ये स्किन में ब्राइटनेस भी लाता है। तो गाइस आप इसको एक समझ लीजिए, आपके लिए ये एक औषधि की तरह है, एक मेडिसिन है। तो एलोवेरा जेल आपको डीटेन करने में स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गाइस तो आपने देखा कि मैंने सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ किया था। ये सभी ऐसे हैं जो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग तो देते ही हैं, उसे फेयरर लुक भी देते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि चाहे वो बेसन हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो रॉ मिल्क हो, चाहे हमने जो हमने यूज़ किया था रोज़ वाटर का, या इसके साथ ही साथ कोकोनट ऑयल, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन को फेयर, ब्राइटर और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करने के साथ ही साथ हमारी स्किन को डीटैन करके उसको टैनिंग को दूर करते हैं और हमारी स्किन को एक 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 जैसा बनाते हैं। इट मीन्स हमारी जो पैची स्किन दिखाई देती है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि टैनिंग हो जाने की वजह से हमारी स्किन डिसकलरिंग सी दिखाई देती है। वो डिसकलरिंग की समस्या आपकी 100% दूर होगी, आपकी स्किन पूरी तरीके से डीटैन हो जाएगी। तो गाइज इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
तो गाइस आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए एंड वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन प्रोडक्ट को मैंने यूज़ किया है वो मैं सारी के सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। एंड प्लीज़ गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरे नोटिफिकेशंस आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।